हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और इस दिवाली आप लोगों के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, मैं यही आशा करता हूँ। और अभी शाम के 5 बजने जा रहे हैं, मैं 2 दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ यार, काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है, बट शाम के 5 बजने जा रहे हैं और दिवाली का दिन है। और आपको सुनाई दे रहा है क्या? मुझे नहीं सुनाई दे रहा, कहीं पर भी पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं छत पर था और वहाँ पर ये देख रहा था कि शाम में क्या पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा अभी तक। वैसे 5 बज रहा है शाम के, और पटना में 5 बजे शाम को भी अंधेरा हो ही जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पटना की सड़कों पर ये देखने के लिए कि किस तरह का माहौल है भाई, क्या कुछ चल रहा है, और इस दिवाली में कितने ज़्यादा पटाखे फूटने वाले हैं नहीं। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग अभी हैं पटना की सड़कों पर, और यहाँ पर जमकर आतिशबाजी हो रही है यार। बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त वाला वाइब आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग सड़कों पर हैं और अभी भी मार्केटिंग हो रही है। तो आज दीपावली का दिन है, और मैंने सोचा कि दीपावली के दिन में इस बार जब पटना में 2021 और 2 सालों के बाद दीपावली आई है, तो फिर व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो मैं शाम से अभी तक फील कर रहा हूँ ना, वो है कि इस बार पटाखे की आवाज़ कम है। मतलब कि कहीं ना कहीं पटाखे बैन होने से असर लोगों पर पड़ा है और पटाखे कम जलाए जा रहे हैं। फिर भी थोड़े बहुत तो जल ही रहे हैं। रोड पर डेकोरेशन भी की गई है यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों में ही डेकोरेशन है, सड़कों के ऊपर भी पूरा डेकोरेशन किया गया है। वी आर इन सुल्तानगंज पटना, और यहाँ से अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और देखते हैं ना कि इस एरिया और उधर गांधी मैदान के उस साइड क्या हाल है, कहाँ कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दीपावली की रौनक सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। भाई ये घेरौंदा ले जा रहा है पूरा सजा के लाइट वाइट के साथ। मेरा बचपन इसी इलाके में बीता है, मतलब कि जिस इलाके में हूँ, महेंद्रू, आलमगंज और सुल्तानगंज, मतलब पटना सिटी के इलाकों में। और यहाँ पर जो है ना, महेंद्रू में जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतिशबाजी होती थी पहले। सड़कों के ऊपर लड़के पटाखे जलाया करते थे और बहुत ज़्यादा आतिशबाजी होती थी, लेकिन देखो इस बार लाइटिंग तो है चारों तरफ लेकिन पटाखे नहीं जल रहे कहीं भी। अरे भाई, मैंने बोला कि नहीं जल रहे और ये देखो जलना चालू हो गया। ओहो हो 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 हो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। ओहो हो हो, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं, बट देखो आप आतिशबाजी कितनी ज़बरदस्त हो रही है भाई पटना में, दिख रहा है आपको? ओहो हो हो हो, क्या बात क्या बात, ओए होए होए होए, देखो तो पटना में कितनी ज़बरदस्त आतिशबाजी हो रही है, देखो आप देखो, ओह ओह, ओए होए 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 होए, क्या बात क्या बात है, ये बैक टू बैक चल रहा है। ओ भाई ओ भाई, यहाँ पर भी जलाया जाए, अल्टीमेट अल्टीमेट भाई, क्या बात है, क्या क्या बात है। यहाँ पर कारगिल चौक पर जो है ना, एक दिया शहीद के नाम, सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि हर एक दीपावली में यहाँ पर कारगिल चौक पर दीप जलाए जाते हैं, और वो भी शहीदों के नाम पर, तो एक दिवाली उनके नाम भी हो जाती है। भाई आप लोगों ने दीप जला लिया? हाँ, दीप जला लिया लोग, अभी तुरंत जलाया हमने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हैप्पी दीपावली बोलना सब, हैप्पी दीपावली। तो आपने बिहार के लाल जो शहीद हो गए लड़ते लड़ते देश के लिए, लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन, उनकी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई और उनको एक श्रद्धांजलि दी जा रही है दीपावली के दिन। एक दीप शहीदों के नाम, बिल्कुल बिल्कुल, एक दीप शहीदों के नाम। ये
हैप्पी दीपावली। नोटिस किया है ना कि यहाँ पे हर साल दीपावली में ये चीज़ ज़रूर होती है कि शहीदों के नाम भी एक दीप जलाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है देख करके कि आप ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होंगे ना जिनके घरों के लोग सेना में होंगे और उन लोगों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया होगा, देश के लिए शहीद हो गए होंगे और उनके घरों में दीपावली नहीं मन रही होगी, तो यार उनके लिए एक दीप तो बनता है ना। हम लोग यहाँ से गोलघर के पास से गुजर रहे थे तो यहाँ पर देखो बच्चे पूरे फुलटू मस्ती कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और यहाँ पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी बिठाई गई है। ओह क्या बात है, अल्टीमेट सर, हैप्पी दीपावली। ओ भाई चलो ठीक है चलो। इस बार जो दीपावली जला जा भाई, हर तरफ जला जा रहा है। ये किया स्काई शॉट। ओ भाई क्या बात है, अल्टीमेट वाले। इस बार की दीपावली पहले से बहुत अच्छी है। हाँ। और हम लोग कोविड से उभरे हैं। हाँ। आशा करते हैं कि इसी तरह हम लोग इससे दीपावली दो साल के बाद दीपावली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रही है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। और इस बार मतलब पटाखे जला रहे हैं लोग, खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ जी। नहीं सर, पटाखा तो बैन है भैया, पटाखा बैन है, लेकिन वो सिर्फ बैन जिसे वो बॉम्ब बोला जाता है उस पर बैन है, हम लोग तीन उस पर जला रहे हैं पटाखा। पटाखे जला रहे हैं। जी हाँ जी सर, कही कहना। ओके सर, हैप्पी दीपावली। ठीक है, थैंक यू ऑल। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है अभी। और ओ भाई क्या बात, जबरदस्त पटाखे छूट रहे हैं भाई। मेरे को लगा था कि इस बार मुझे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पटाखे तो छूट रहे हैं भाई खूब। यहाँ पे मंदिर में पूजा भी चल रही है और अभी हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ से मंदिरी वाले इलाके, यानी कि लोधीपुर वाले इलाके से। सो वी एंटर्ड बोरिंग रोड और आप बोरिंग रोड में देख सकते हैं लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी की गई है और ऊपर में वो स्काई बलून जो जलाया जा रहा है, आपको शायद पता नहीं दिख रहा बट ऊपर में स्काई बलून जला रहे हैं भाई। सारे जो मार्केट लगे हैं ना, इसकी शॉपिंग आज ही भर थी और आज के बाद फिर ये सब कुछ खाली हो जाएगा और काफ़ी हद तक जो भीड़ है ना वो अब छट चुकी है। ये बोरिंग रोड चौराहा वाला मंदिर देख लो आप, दीपावली के दिन ये कैसा लग रहा है। काफ़ी फोर्स भी डिप्लॉय की गई है यहाँ पर। हम लोग बोरिंग रोड पहुँचे हैं और बोरिंग रोड में आप देखिए क्या जबरदस्त है, हजार वाली चटाई बिछा दी गई है और इसको फोड़ने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। आप कहाँ से? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? हैप्पी दीपावली बोल दीजिए। तो इस बार दीपावली में नेपाल नहीं है? नेक्स्ट टू मीट यू, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली यार। अभी की चटाई जलाने के यहाँ पर बिछा दी गई है हजार वाली चटाई, जो कि यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो लंबी। भाई साहब हजारा का दम अभी दिखने वाला है आपको और ये जल गया भाई।
था यार, मतलब कि कान टी वाई जी मेरे कान सुन गए एकदम, और थोड़ी देर के लिए सुन हो गई कम, और हम लोग उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, और इतना लंबा था कि मतलब क्या बताऊँ। इस बार क्या लग रहा है, पटाखा बैन है क्या? नहीं, पटाखा बैन तो लग नहीं रहा है। कैसे थोड़ी सा आया था, धुआं धुआं कर देगा पटना में, करता होगा। हाँ, एक रील्स आया था बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, वो पटाखा बैन है तो क्या हुआ, लेकिन धुआं धुआं कर देगा, कुछ वैसा ही दिख रहा मुझे भी अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर राजवंशी नगर में है, पंचमुखी मंदिर के पास, मटर गाश के लिए आए गए। हैप्पी दिवाली बोल के बताइए कैसा लग रहा है इस बार दिवाली? अरे हैप्पी दीपावली, बहुत दिन, दो साल के बाद इतना अच्छा हैप्पी दिवाली मनाया, बहुत अच्छी लगा, हैप्पी दिवाली मनाया बहुत। और आप थोड़ा सा कैमरा शाही लग रहा है इस मौके पे, आपको देखने के बाद थोड़ा कैमरा शाही तो खत्म हो गया। कैमरा शाही कुछ नहीं होता भाई, वी ऑल आर मटर गश्तियन और सभी लोग चाय पीने के लिए रुके। दिवाली के मौके पे आपसे मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि आपको देख के हम लोग यहाँ से एक मैसेज आता है कि सब हम लोग भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, किसी के बातावे भाई देखो है। ये सब कुछ भी नहीं होता, हिंदू मुस्लिम क्या नहीं होता, इंडियन फर्स्ट। और हम लोग यहाँ पर मिले और ग्रेट प्लेजर फॉर मी कि भाई लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया यार, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप ब्लॉग बनाते रहो, और बहुत ही कल्चर को किस रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबका इज्जत लेकर चलते हैं, सबको साथ लेके चलना है हम लोगों, तभी तो सब कुछ साथ रहेगा।